एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बीटल्स के बारे में। बीटल्स के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, तो चलिए जानते हैं ये क्या है। दुनिया में लगभग 5,000 जो डंग बीटल्स है उनकी प्रजातियां पाई जाती है। इनकी जो लंबाई होती है लगभग 5 से 50 मिलीमीटर होती है। जब भी कोई जंगल में कोई जानवर मल करे, जैसे मान के चलिए राइनो अगर वहाँ पे कोई मल कर दे, तो कुछ ही मिनट के अंदर हजारों की संख्या में ये बीटल पहुँच जाती है सूंघ के ही, और उस मल को वो ख़त्म कर देती है, गायब कर देती है। इस मल का वो उपयोग करती है उसमें अंडे देने के लिए, उसे खाने के लिए, और कुछ तो उसमें रहते भी हैं। और देखा जाए तो ये एक तरह से एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छा रोल भी अदा करती है, जैसे कि गंदगी को होने से बचा लिया, साथ ही साथ जो मिट्टी है उसको भी फर्टिलाइज कर दिया, उपजाऊ बना लिया, साथ ही साथ जो मक्खियां हैं उनको भी ये दूर रखती है। जो ये डंग बीटल्स होते हैं ये ठंडियों के समय में स्लीपी स्टेट में चले जाते हैं, ठंडियों के सीजन में ये गहरी शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो उस समय पे कौन इस गंदगी को, इस पू को, या फिर ये जो मल है जो भी जानवरों के द्वारा फैलाया जाता है उसे कौन साफ करता है? तो वो साफ करता है टर्माइट्स, दीमक। साउथ अफ्रीका में लगभग 800 प्रजातियां डंग बीटल की पाई जाती है। साइंटिस्टों ने ये पता लगाया है कि ये जो डंग बीटल होती है ये सितारों को देख के, स्टार्स को देख के, रात के अंधेरे में भी अपना रास्ता पता कर लेती है। डंग बीटल देखा जाए तो हर जानवर के मल का वो उपयोग करती है, लेकिन हाँ कुछ डंग बीटल ऐसे भी हैं जो थोड़े चूजी होते हैं, जो थोड़े देखते हैं कि इसका मल ही हम यूज़ करेंगे, इसका नहीं करेंगे। डंग बीटल का जो उम्र होता है वो लगभग 3 साल का होता है। डंग बीटल जो होते हैं कई तरह के शेप और साइज और कलर में पाए जाते हैं। कलर में देखा जाए तो नीला, हरा, भूरा और काला में भी पाए जाते हैं। डंग बीटल को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्ट्स माना जाता है, सबसे ताकतवर कीड़ा माना जाता है, क्योंकि इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये अपने बॉडी वेट के कंपेयर में लगभग 1,141 गुना ज़्यादा वेट को ढकेल सकती है। अगर मैं इसको इंसानों के कंपेयर में कहूँ तो अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का वेट 60 किलो है तो वो लगभग 68 टन वेट को ढकेल सकता है अगर उसमें बीटल की ताकत आ जाए तो। जो डंग बीटल होते हैं ये कभी पानी नहीं पीते हैं, तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये पानी कहाँ से लाते हैं, अपने शरीर में जो लिक्विड है वो कहाँ से लाते हैं? तो ये जो डंक खाते हैं, जो मल को खाते हैं, उसी का ही पानी ये कंज्यूम करते हैं। साइंस की भाषा में डंग बीटल को कॉप्रोफेगस कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मल खाने वाला, फेकस ईटर। इसमें एक काबिलियत होती है कि ये जो डंक जो होता है उसका जो बॉल बनाता है उसको वो स्ट्रेट लाइन में ही लेके जाता है, चाहे वो रात के अंधेरे में ही क्यों ना हो, या फिर सामने कोई पत्थर या लकड़ी ही क्यों ना हो, वो उस लकड़ी के ऊपर से, उस पत्थर के ऊपर से ले जा के ही जाएगा, साइड से नहीं जाएगा, मतलब वो सीधे ही लाइन में जाता है। जो डंग बीटल होते हैं उनमें जो मेल्स मेल होते हैं उनमें सींग होता है, हॉर्न्स होता है, जो कि कहीं ना कहीं फाइट करके फीमेल को अटेंशन देने के लिए ये यूज करते हैं। ये जो बीटल्स होते हैं, ये जो डंग बीटल्स होते हैं, ये मल को ही क्यों खाते हैं? इसके पीछे का कारण ये होता है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है। मतलब डाइजेस्टेड फूड का मतलब कि कहीं ना कहीं उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो खत्म हो गए, अनडाइजेस्टेड है, बाहर आ गए, इसका मतलब कि इसमें जो न्यूट्रिएंट है अभी भी मौजूद है, और यही न्यूट्रिएंट इन बीटल्स को चाहिए होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।